हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉलिसी एंड रूल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पॉलिसी रियलिटी में डिसीजंस लेने की लिमिट्स फिक्स कर देती है, मतलब हमको इन बाउंड्रीज के अंदर रहकर ही डिसीजंस लेने होते हैं। जो भी डिसीजन लेंगे इस लिमिट के अंदर लेंगे, बाहर नहीं ले सकते। रूल रियलिटी में हमारे लिए ऑर्डर होता है, ऑर्डर की कैटेगरी में आता है। कंपनी ने जो भी रूल बना दिया वो मानना ही होगा, वो सभी के लिए एक ऑर्डर की तरह है। अगर कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। बात आती है पॉलिसी की। फिर से पॉलिसी रियलिटी में सबऑर्डिनेट्स को डिसीजंस लेने की फ्रीडम देती है कि आप इस लिमिट्स के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो डिसीजंस लेने की आपको फ्रीडम है, आजादी है। जबकि रूल्स जब भी बनते हैं तो हमें उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, हर हालत में फॉलो करना ही होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल्टी तो लगेगी ही, प्लस रूल को फॉलो करने के बारे में हमारे अंदर डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि कंपनी ने एक रूल बनाया कि स्मोकिंग नहीं करनी है, तो हमारे अंदर स्मोकिंग करने और ना करने के बीच में कोई ऑप्शन नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने अगर एक बात बोल दी कि स्मोकिंग नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी, मतलब यहां पर डिसीजंस लेने की कोई फ्रीडम नहीं होती। रूल है तो मतलब है, हर किसी को वो हर हालत में फॉलो करना ही होगा। आप उस रूल को ब्रेक नहीं कर सकते, अपने आप से अपने ही लेवल पर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। डिफरेंस नंबर 3, पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है। टाइम के अकॉर्डिंग कंपनी जब भी चाहे पॉलिसीज को चेंज कर सकती है। मान लीजिए कंपनी ने आज बोल दिया कि हम किसी को उधार माल नहीं सेल करेंगे, 2 दिन के बाद कंपनी को प्रॉब्लम आने लगी, कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी कि चलो उधार माल भी सेल कर दो। पहले कंपनी ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करती थी, कंपनी ने फिर पॉलिसी बना दी चलो ऑनलाइन पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लो। तो पॉलिसी जो होती है फ्लेक्सिबल होती है, जबकि रूल्स कठोर होते हैं, उनका हर हालत में पालन करना ही होता है, ये चेंज जल्दी से नहीं किए जाते। बात आती है पॉलिसी जर्नल स्टेटमेंट होती है, जबकि रूल्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट मतलब एक स्पेशल स्टेटमेंट इशू की जाती है जो हर किसी को हर हालत में माननी ही होती है, जबकि पॉलिसी रियलिटी में एक जर्नल स्टेटमेंट होती है। और कभी कभी अगर कोई इस पॉलिसी को फॉलो ना भी कर पाए तो किसी के ऊपर पेनल्टी का कोई चक्कर नहीं होता, पेनल्टी मतलब नहीं लगती। मान लीजिए कंपनी ने पॉलिसी बना दी कि हमने जो पेमेंट लेनी है वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही लेनी है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा कस्टमर आया, वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना चाहता, कैशियर ने उससे पेमेंट कैश में ले ली, तो ऐसी स्टेटमेंट मतलब जर्नल स्टेटमेंट हुई। हालांकि कंपनी की पॉलिसी है कि हम पेमेंट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लेंगे, पर फिर भी अगर कोई कैश देके चला गया तो कैशियर के ऊपर कोई बात नहीं आएगी, क्योंकि एक जर्नल सी बात है। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक कि पॉलिसी और रूल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो ओवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं।